देखें आज बनेगी लेमन स्ट्राशा फिश विद सालसा। क्योंकि सालसा का क्या होता है कि ज़रा सा रखा रहे तो ज़रा ज़्यादा बेहतर इसका रिजल्ट आता है। इसके लिए मेरे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे मौजूद, मैं काम करती हूँ, बड़ा वाला बोल ले लेती हूँ। अच्छा आपा ऑरेंजेस ना हो क्योंकि अभी विंटर में, तो कौन सा आपने बोला क्या करें? आप इसको बना सकते हैं, आप मैंगो के साथ बना सकते हैं। आगे जैसे गर्मी में मैंगो आता है, आप मैंगो के साथ बना सकते हैं, पीचेस के साथ बना सकते हैं, इससे बेहतरीन सालसा बन सकते। फ्रूट सालसा नहीं बना सकते तो आप वेजिटेबल सालसा भी बना सकते हैं। और सालसा आप अभी मुझे बताइएगा, हम आपको बहुत दफ़ा बता चुके हैं सालसा का हमेशा ये होता है कि अगर आप बना रहे हैं सर्व करें तो आप कम से कम इसको 2 से 3 घंटे आपने इसको रखना है, इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये मेरे पास एप्पल्स हैं, एक एप्पल को हमने छोटा छोटा काट लिया है। ये यहाँ पे छोटी छोटी तमाम चीज़ें कटी हुई होना चाहिए। अगर आपके पास मैंगो हैं या पीचेस हैं वो भी आपने इसी तरह से काटने। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये ऑरेंजेस जो थोड़े से मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ये गए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लेमन जूस जो इसका अच्छा सा एक फ्लेवर देगा, और डालेंगे हैलोपिनो पेपर्स। सालसा हो और हैलोपिनो पेपर्स ना हो ये ज़रा सा नामुमकिन सी एक बात लग रही होती है, तो मैंने डाल दिया इसमें। तकरीबन 3 से 4 पीसेस लीजिएगा, छोटा छोटा काट लीजिएगा, वो डाल दीजिएगा। इसके अलावा ये गया इसके अंदर ब्राउन शुगर, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, यानी कि ये तकरीबन आप देखें 1/4 टीस्पून। नमक डालेंगे हम बिल्कुल 1 पिंच, ठीक है। इसको मिक्स करके हम थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। जब हम छोड़ेंगे तो ये तमाम चीज़ें अपना पानी छोड़ेंगी और बेहतरीन सा हमारा सालसा जो है वो तैयार हो जाएगा। फ्रूट सालसा हम इसके साथ सर्व करेंगे। आ जाते हैं अपनी लेमन स्लाश फिश के ऊपर, उसकी मैरिनेशन में हम क्या कुछ डाल लें ये आपको हम बताते हैं। चलें जी इसको हम रख देते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट जाएंगे, ये फ़िश है मेरे पास, फ़िश है 1/2 kg। इसमें डालेंगे नमक जायके के मुताबिक जो तकरीबन जाएगा 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। फ़िश में हमेशा नमक की मकदार को कम रखिएगा। इसके अलावा हम डालेंगे काले मिर्चें, पिसी भी डालें कुटी भी डालें, इट्स अप टू यू। लेमन जूस ये जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। क्रश किया हुआ लहसुन तकरीबन 2 से 3 जवे आप ले सकते हैं, ये चला गया इसमें। अब जाएगा इसके अंदर ये सराशा सॉस, इजीली अवेलेबल है, आप इसमें डालिए और इन्जॉय कीजिए। चलें जी इसके बाद हम डालेंगे इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। जी जी इस वक्त हमें ऑयल की ज़रूरत है तो अभी आप इसमें डालिएगा। ये है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, इंपोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल, फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री, US free treated, double refined, guaranteed. जी हिफ्जाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रख भी हमने नहीं किया, बस इसको रखा है और पैरिस की डिश में डाल के आप इसको रख दें। क्या टेम्परेचर? टेम्परेचर आप इसका रखिएगा 180 डिग्री के ऊपर। इतनी देर के लिए फिश बहुत जल्दी जाती है, आई थिंक 10 to 12 मिनट में ये कम्प्लीटली तैयार हो जाएगी। अगर